दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हिंदुइज्म लगातार बढ़ रहा है। इनके प्रमुख देशों को अगर देखें तो इसमें है टोगो, टोगो आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इसके बाद जस्ट बगल में है घाना, घाना के बाद है नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद है आपका सियेरा लियोन, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद लाइबेरिया, मध्य अफ्रीका में कॉन्गो, मध्य अफ्रीका में देखिए यहाँ पे कॉन्गो है। इसके बाद पूर्वी अफ्रीका में केन्या, पूर्वी अफ्रीका में केन्या आपके सामने है। उसके बाद तंजानिया, युगांडा, रियूनियन देखिए यहाँ पे है, मॉरिशस यहाँ पे है, सेशेल्स आपका यहाँ पे है, तंजानिया यहाँ हो गया और युगांडा हो ही गया। अब इसके अलावा मोजाम्बिक और इथोपिया, इथोपिया देखिए यहाँ पे है और मोजाम्बिक भी आपको यहीं पे नज़र आएगा, ठीक। और इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिणी में, दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदुइज्म का प्रभाव बढ़ रहा है, साथ ही साथ जाम्बिया में भी हिंदुइज्म का प्रभाव बढ़ रहा है, मॉरिशस, बोत्सवाना और नामीबिया में भी हिंदुइज्म का प्रभाव बढ़ रहा है। ये प्रभाव जो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो ब्रिटिश शासन के दौरान बढ़ा संपर्क हुआ, हिंदू प्रवासियों की संख्या बढ़ी इस्कॉन की वजह से, गिरमिटिया मजदूरों की वजह से। और हिंदू धर्म क्या है कि गैर धर्मांतरण धर्म है, इसमें ईसाइयत और इस्लाम की तरह कोई मतलब माध्यमों का प्रसारित नहीं किया जाता है। और इस तरह से पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये सारी चीज़ें हिंदुइज्म का विस्तार हो रहा है, तो यह अच्छा है।